जय श्री राम। स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज मैं ये निवेदन करने जा रहा हूँ कि घर में अपने किस स्थान पर भगवान की अथवा मंदिर की हम स्थापना करें। उसके पहले मैं ये अवश्य कहूँगा कि प्रयास कीजिए मार्बल का मंदिर हो अथवा लकड़ी का मंदिर तो सर्वोत्तम माना ही जाता है। जो आम पीपल गोलर बरगद इनकी लकड़ियां अथवा शमी की लकड़ी जो भी सुविधा हो लकड़ी का उत्तम माना गया है। और प्लाईवुड और जो प्लास्टिक के आते हैं इन सब से हमें बचना चाहिए। जब तक हमारे पास मनचाहा मंदिर नहीं आ जाता है तब तक जो ईश्वर की इच्छा उसी में हमें संतोष करते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप नहीं तो चौकी पर भी कपड़ा बिछा करके भगवान को आप विराजमान कर सकते हैं। पर अगर हम मंदिर रखना चाहते हैं तो घर में किस स्थान पर मंदिर रखें? अब आप ये देख रहे हैं ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब इसको हमने ऐसा इसमें देखिए दो लाइन इधर किया है ईस्ट वेस्ट में और दो लाइन हमने नॉर्थ और साउथ की तरफ कर दिया है। मतलब पूरे घर का ये नौ खाना बन गया है। अगर हम बाहर घर बनवा रहे हैं भगवान ने दिया है बंगलो बनवा रहे हैं तो बीच स्थान ये ब्रह्मा का स्थान इसको खाली रखना चाहिए। आप स्वयं आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले पुराने घर हैं उसमें आंगन होता था और आंगन जो है रिक्त होता था खाली स्थान होता था। ये ब्रह्म स्थान मध्य स्थान है, यहाँ खाली होना चाहिए। जैसे हमारे पेट के ऊपर जो है वहां कोई नाक मुंह ऐसा नहीं लगा हुआ है, पूरा स्लिम अच्छा लगता है, ऐसे ही स्थान हमारा रिक्त होना चाहिए। मंदिर रखने का जो सर्वोत्तम नंबर एक स्थान माना जाता है वो ईशान कोण माना जाता है। दूसरा जो पूर्व का ईस्ट का जो सेंटर भाग उसको माना जाता है। उसी तरह भोजनालय का ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है जिसको अग्नि कोण कहा जाता है, यहाँ पर इस तरफ पूर्व मुख ईस्ट की तरफ मुख करके फेस करके किचन का निर्माण करना सर्वोत्तम होता है। भूल करके भी इधर फेस नहीं होना चाहिए, फेस वेस्ट में भी हो जाए, एक बार जो है नॉर्थ में भी हो जाए, और ईस्ट तो सर्वोत्तम माना गया है तो। लेकिन हाँ साउथ फेस जो है किसी भी रूप में कहीं भी किचन हो तो संयोग वश तो भी हमें साउथ की तरफ हमारा फेस भोजन बनाते समय नहीं होना चाहिए। अब हम आज मुख्यतः मंदिर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो आपने इसको तीन भाग में बांट दिया। जो भी घर है चाहे एक कमरा है चाहे तीन कमरे का रूम है तो आपका जो ये ईशान कोण हुआ ईशान कोण अब ये तीन भाग हुआ तो तीन भाग का पूरा पूरे घर का ये वाला भाग पूरा ये ईशान कोण हो गया ये वाला भाग। पर इस भाग का भी ईशान कोण ये हुआ तो कई बार यहाँ का भी दरवाजा उत्तम माना जाता है। अगर दरवाजा यहाँ पर है अथवा यहाँ खाली जगह हमको मिला तो नंबर एक स्थान ही हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ वास्तु का जो है ईशान कोण में सिर होता है और नैऋत्य कोण में जो है इनका चरण होता है। तो यहाँ पर भूल करके भी आप देखेंगे हमने क्रॉस का मार्क दिया है तो एक स्थान ये हो गया ईशान कोण, दूसरा अग्नि कोण, ये क्रॉस का मार्क है, तीसरा जहाँ वास्तु का चरण होता है नैऋत्य कोण, एक्चुअली क्रॉस हमको यहाँ देना चाहिए था। यहाँ जो है इन तीनों स्थानों पर भूल करके भी जो है हमें शौचालय जिसको लैट्रिन रूम बोलते हैं वो हमको वहां पे नहीं बनवाना चाहिए। एक बार वॉशरूम भी चल सकता है मजबूरी में पर वहां जो है एक नंबर दो नंबर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये स्थान तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा जो हमने ये मार्क किया है ईशान कोण और यह जहाँ अग्नि का कोण होता है और जो यहाँ वास्तु का चरण होता है, यहाँ तीनों जगह जो हमारा शौचालय जिसको लेट्रिन का निर्माण नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं ये स्थान खाली रहना चाहिए, नहीं तो जो है हमें बड़ी परेशानी होती है। आज हम केवल मंदिर की चर्चा करते हैं। अब मान लिया पूरा रूम है, बच्चों का रूम है, सिराना जो है साउथ का सिराना सर्वोत्तम माना जाता है अथवा ईस्ट का, उसके बाद वेस्ट का हो गया। तो अगर हमारा ईस्ट में सिराना है तो यहाँ मंदिर रखना उत्तम है। अगर हमारा यहाँ पे सिराना है, इस कमरे में सिराना हमारा यहाँ पर है तो यहाँ पर मंदिर रखना अच्छा होगा। तो आप एक मोटी मोटा देख सकते हैं पूरा चार्ट के हिसाब से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जहां जहां हमने मार्क करके रखा है यहाँ यहाँ पर आप जो है मान लिया किचन में भी लगाना है तो आपने यहाँ लगा लिया, दूसरा यहाँ पर भी इस साइड में भी अंदर में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ यहाँ जो है जो मार्क है ये मार्क अंदर की तरफ होना चाहिए क्योंकि घर का मालिक अगर यहाँ सोएगा तो यहाँ पर जो है पैर आएगा। हाँ अगर सिराना वो पूरब की तरफ रखता है किसी तरह से यहाँ पर लेटरिन बाथरूम है
तो फिर यहाँ पर मंदिर हो सकता है, तो इधर इस पार भी हो सकता है, इस पार भी हो सकता है। पर अगर हाँ नंबर एक का सिराना साउथ का होता है और साउथ का सेंटर ये है, मालिक के लिए रहना नंबर एक का स्थान है, नंबर दो का स्थान ये है। तो हम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, तो आप ये देखिए पूरब में जो ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट में भी ईशान कोण में भी तीन स्थान है, तो जहां आपको सुविधा हो अथवा ईस्ट का जो सेंटर हुआ यहाँ पर भी तीन स्थान है जहां सुविधा हो, अथवा भोजनालय में बना रहे हैं फिर भी मैं निवेदन करूंगा भोजनालय में किचन में मंदिर से बची अगर भगवान ने थोड़ा जगह दिया है तो भोजनालय में मत बैठाइए, तमाम तरह का छोंक लगता है, ये चीजें होती है तो वो उचित नहीं है। अगर हमारा एक ही कमरा है तो कोई बात नहीं, तो जो ईश्वर ने अच्छा स्थान दिया वो स्वीकार है, पर अगर और पूरा स्थान हमारे पास है तो भोजनालय के अलावा आप देखिए मध्य भाग में यहाँ हमने जहां जहां स्थान दिया है यहाँ यहाँ पर आप जो है मंदिर रख सकते हैं। पर जिधर भी आप देखते होंगे कि हमने एक भी जो है नॉर्थ में नहीं दिया ना, हमने साउथ में दिया है, ये स्थान उचित नहीं होता है। फिर भी एक बार आपके पास कोई स्थान नहीं है तो एक बार आप जो है दक्षिण की तरफ में मतलब साउथ की तरफ में आप मंदिर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान आपके उत्तर मुख रहेंगे, भगवान का मुख जो है अगर आपका मंदिर यहाँ पर है अथवा यहाँ पर अथवा यहाँ पर है अथवा यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है, तो भगवान का मुख जो है नॉर्थ की तरफ रहेगा और आपका मुख जो है भगवान की तरफ रहेगा। तो जब भी हम मंदिर विराजमान कराते हैं तो वो स्थान वो चाहे इधर मुख में मंदिर हो अथवा इधर मुख में हो, पूर्वाभिमुख हो अथवा पश्चिमाभिमुख हो, तो वो स्थान जो है पूरब माना जाता है। कहते हैं जहां सूरज का उदय होता है वही पूर्व होता है, वही दिन माना जाता है। ऐसे जहां भी भगवान का मंदिर है चाहे हमारा ईस्ट फेसिंग है अथवा वेस्ट फेसिंग है, वो समय पूजा पर्यंत जो है वो पूरब ही माना जाता है। तो इसलिए कभी भी इमरजेंसी हो वो दिक्कत हो तो आप एक बार कोई इसमें संकोच की बात नहीं, आप साउथ में मंदिर रख सकते हैं, मंदिर का मुख नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आप पूजा करने बैठेंगे तो आपके सामने भगवान का चेहरा होगा, वो आपके लिए सब कल्याणकारी होगा। तो इसलिए भगवान का साउथ मुख नहीं होना चाहिए, साउथ मुख हनुमान जी का कई जगह स्थान है एक अलग भक्ति के हिसाब से, पर प्रॉपर वे में देखा जाए अच्छी तरह से तो भी एक अपवाद स्वरूप कम है, पर उचित ईस्ट वेस्ट ही माना गया है। तो आप इस चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं और इन्हीं स्थानों पर आप ईस्ट में रखेंगे तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, सेंटर वाले कमरे में रखेंगे तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं और इधर रखेंगे तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, आप बेडरूम में भी रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक भगवान के मंदिर में पर्दा लगा दीजिए, वस्तुतः कौन ऐसी जगह है जहाँ प्रभु नहीं है। मान लिया बच्चों का कमरा आपने ये बनाया हुआ है तो पैर मंदिर की तरफ नहीं जाना चाहिए, अगर साउथ में उसका सिरहाना है तो पैर जो है नॉर्थ में आएगा, तो मंदिर को सिराना के बगल में कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। मेरा अपना ओपिनियन है कि भगवान ने जगह दिया तो हॉल में अच्छी तरह से उनको विराजमान कीजिए, उससे कई तरह का लाभ होगा। कभी आप घर से बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं तो भगवान को प्रणाम करके जाएंगे आएंगे, बच्चे भी उसी तरह से होंगे, आते जाते सदैव उनका दर्शन होगा। दूसरी बात, आपके मन में कुछ बुरी भावनाएं आएंगी, लड़ाई झगड़ा तो लगेगा, प्रभु सामने बैठे क्या लड़ाई झगड़ा करना, अथवा कई बार लोग आ जाते हैं आपके कई मित्र हैं अथवा ऑफिस के लोग हैं जिनको आप मना नहीं कर पाते हैं, सिगरेट पीते हैं लोग, मजबूर हैं अपने दुर्व्यसनों से, आप उनसे बहुत छोटे कर्मचारी हैं अथवा आपके बॉस हैं तो आप उनको मना नहीं कर पाते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर यहाँ मंदिर है तो हम लोगों का नियम है कि जो है घर में नहीं होता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, अथवा मेरी माता जी ने कहा अथवा हमारे गुरु जी ने कहा कि मंदिर के सामने नहीं होना चाहिए। हालांकि वो थोड़ा भी मनुष्य होंगे तो खुद देखेंगे सामने मंदिर है तो हम यहाँ जो है सिगरेट अथवा बीड़ी अथवा कुछ इन चीजों का सेवन न करें, तो हर तरह से हमारे लिए कल्याणकारी है। प्रॉपर वे में उनको अच्छी तरह बैठाइए, उनको अच्छी तरह लगाइए, जैसे हम माथे का टीका लगाते हैं सबसे सुंदर सबसे सही जगह पर, ऐसे हमारे घर में देवस्थान होना चाहिए। एक कमरा है तो जहां भगवान ने स्थान दिया है, दो कमरा है तो उसी हिसाब से उनका जगह बनाइए। इससे संबंधित जो भी मन में प्रश्न होगा पूछिएगा, मैं समय मिलते ही अवश्य बताऊंगा। मंदिर कहाँ होना चाहिए तो आपने देख लिया, फिर मंदिर में कैसे कैसे हम भगवान बैठाएं और कैसे उनकी नित्य पूजा करें, तो इन सारे वीडियो को हम एक वीडियो में रखने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए इंस्टाग्राम पर हर वीडियो के नीचे इसका लिंक है, वहां आप मैसेज कर सकते हैं और थोड़ा धैर्य रखिएगा, जैसा समय मिलेगा मैं निश्चित बताने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम। ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले।
राम बोले, 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 रा